यूपी में उपचुनाव है, कौन सी सरकार आएगी? यूपी में बीजेपी आएगी। बीजेपी आएगी। और जैसा कि आप बार बार ये कह रहे हो कि केजरीवाल केजरीवाल, इसका असली नाम तो केजरुद्दीन है। हम आपसे कह रहे हैं कि किसी को इसको केजरीवाल मत बोलो, केजरुद्दीन बोलो, क्योंकि जो मस्जिदों के लिए सैलरी दे सकता हो और हमारे मंदिरों के लिए सैलरी नहीं देता, तो वो केजरुद्दीन ही है मेरी नज़रों में। आप उसे केजरीवाल नहीं बोल सकते, उसे सीधे नाम बोलो, उसका सच्चा नाम है जो केजरुद्दीन, केजरुद्दीन। सर, जो बाबा हैं लगातार हिंदू को एक करने की बात कर रहे हैं, सारे बाबा आप देख लीजिए, ये जो देवकी नंदन जी हैं और धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी हैं, एक तरफ राहुल गांधी जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं, तो क्या लगता है हिंदू ऐसे बट्टा चला जाएगा कि एक हो पाएगा? राहुल गांधी जी को जब चुनाव आता है जब ही निकलते हैं क्या? इससे पहले कहाँ कोक में घुस गए थे क्या अपनी माँ की? चुनाव आते ही अब जनगणना की बात करने लग गए? हम किसी बाबाओं के साथ नहीं है, हम सनातनियों के साथ हैं, और सनातन जो सनातनों का काम करेगा हम उनके साथ हैं। तो यूपी में आपके हिसाब से बीजेपी आएगी? बिल्कुल बीजेपी आनी चाहिए, और बीजेपी की जरूरत है हम लोगों को। दिल्ली में भी चुनाव है, दिल्ली में कौन सी सरकार आएगी? बीजेपी, वैसे हम बीजेपी को चाहते हैं, पर कुछ लोग फ्री के लालची हैं, फ्री के चक्कर में अपनी बहनों को मुसलमानों के साथ बेच देते हैं। बेचना ही कह दिया, जो एक बहन के साथ माई चली जाती है मुसलमान के साथ, वो उनको पैसा लेके बैठ जाते, जो कार्रवाई नहीं करते, तो मैं तो बेचना ही कहूँगा। ऐसे लोगों से सावधान रहें, वो अपनी बहन बेटियों की रक्षा के लिए एक एक शस्त्र उठा लें और शादी में एक तलवार जरूर दें, क्योंकि दहेज में सबको सम्मान देते हैं पर एक तलवार भी जरूर दे दें। ये मैं सभी भाइयों से बहनों से अनुरोध करना चाहता हूँ। आपके हिसाब से केजरीवाल फ्री की रेवड़ी दे रहे हैं? बिल्कुल दे रहे हैं। अच्छा, वो तो कह रहे हैं बीजेपी भी फ्री की रेवड़ी दे रही है, जनता को राशन दे रही है फ्री का, मुफ्त का, वो किसके लिए दे रही है? हम हिंदुओं के लिए तो किसी से पूछ लो, किसी घर में राशन कार्ड नहीं हो, अभी राशन कार्ड दफ्तर चले आना, इतने लोग वहाँ पे राशन के लिए बैठे हैं, उनको तो राशन मिलना नहीं है, तो राशन वो हम लोगों के लिए नहीं जा रहा, वो केजरुद्दीन अपनी बिरादरियों में ही दे रहा है, अपनी बिरादरियों में दे रहा है। हाँ, वो मुसलमानों के लिए दे रहा है भैया। तो केजरीवाल है, केजरुद्दीन बोल रहे हैं भैया उनको कि वो अपनी बिरादरी के लोगों को राशन दे रहा है। वो एक तरह से मुसलमानों को सपोर्ट करते हैं, हिंदुओं को नहीं करते हैं। मैं तो ये कह रहा हूँ मनोज तिवारी जी से भी, वो भी यही फ्री का नारा करते हैं, उनकी अब की बार सरकार बन जाएगी। हाँ, मनोज तिवारी जी हार गए थे भाई, वो इसलिए हार गए थे ना, कुछ बेनिफिट नहीं दे रहे। तो अब दिल्ली में क्या है, 90% बंदा फ्री के चक्कर में पड़ गया है, इसे कोई मतलब नहीं है क्या हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा। जनता कह रही है जब महंगाई इतनी बढ़ा दी है तो हमें भी तो फ्री का ही चाहिए। कौन महंगाई है मैम? फ्री जो बंदा घर पे बैठा उसके लिए महंगाई? हम, मैं हलवाई का काम करता हूँ, 800 रुपये झाड़ी ले रहा हूँ, किसे महंगाई बताओ? 25,000 रुपये मैं कमा रहा हूँ। कह रहे हैं सिर्फ अडानी को दिए जा रहे हैं, देखिए अडानी को तो यूएसए से भी नोटिस। बेवकूफ़ी है मैम ये कहना। क्या लग रहा है हिंदू एक हो पाएंगे? बिल्कुल हो पाएंगे मैम, बिल्कुल हो पाएंगे हिंदू एक। जब नाम के पीछे चौधरी, जाट, गुजर ये सब लगाएंगे तो कहां? देखो, सारे हिंदुओं से यही निवेदन है कि चौधरी, जाट जो भी लगाते हैं पीछे ही हटा दें, अपने नाम के पीछे सिर्फ हिंदू लगाएं, जैसे रवि हिंदू या सचिन हिंदू, कुछ भी है हिंदू लगाएं सिर्फ। जातिवाद हम लोग विवाद करते हैं ना, जातिवाद के ऊपर विवाद होता है। हिंदू लगाने से होगा क्या? जब तक बेटी रोटी का संबंध नहीं होगा, छोटी जाति में अपनी बेटी देना नहीं चाहते, छोटी जाति की बेटी लेना नहीं चाहते। मैम यही तो, इसी चीज का तो कार्य चल रहा है ना, ये चीज आप हम लोगों को सुधरना पड़ेगा ना इस चीज पे। आप अपने घर में लाएंगे छोटी जाति की बेटी? मैम बिल्कुल बनाना चाहेंगे, क्यों? जब हिंदू राष्ट्र एक होगा तो हम क्यों नहीं बनाना चाहेंगे? जातिवाद नहीं, नहीं बिल्कुल नहीं करना चाहिए। लग रहा है हिंदू एक होगा, क्यों नहीं होगा? एक करना, हाँ एक होंगे मैडम, हिंदू तो सिर्फ एक ही होंगे ना, जब मुसलमान एक हो सकते हैं तो हिंदू क्यों नहीं हो सकते? अच्छा, मुसलमान हो सकते हैं तो हिंदू क्यों नहीं हो सकते? हाँ, जब मुसलमान एक हो जाते हैं, दोनों में भी तो अलग अलग जातियाँ हैं ना, और हिंदुओं में भी अलग अलग जातियाँ, हिंदू भी एक होंगे। हिंदुओं में क्यों इतना जाति? अरे हिंदुओं में वो एक हो जाती, हिंदू एक नहीं हो पाती। बेटी रोटी का संबंध करेंगे आप? सब एक हो जाएगा, सब कुछ होगा उसी। ये सनातन धर्म किस लिए हो रहा है? इसीलिए हो रहा है हिंदुओं को एक करने के लिए। सनातन बोर्ड बना के कहीं बहका तो नहीं देंगे? बहका क्यों जाएंगे, सरकार सनातन बोर्ड बना देगी तब काम होगा। बेटी रोटी का संबंध रखेंगे बताइए? हाँ रखेंगे, रखेंगे? हाँ बताइए मैम। सबसे बड़ी बात तो यह है ना कि हम लोगों को एकजुट रहना पड़ेगा, तभी हिंदू राष्ट्र बन पाएगा। अगर हम लोग ही वो नहीं करेंगे तो फिर कैसे हिंदू? क्या हो जाएगा हिंदू राष्ट्र बन गया? क्या हो जाएगा? बढ़िया है, जब नाम जाति हट जाएगी तो हिंदू राष्ट्र ही हो जाएगा मैम, और क्या। मानों को क्या हाल करेंगे फिर हिंदू राष्ट्र? कुछ नहीं करना, कुछ नहीं, जैसे हैं वैसे ही रहना, हम लोग किसी को तंग नहीं करते। जैसे रहना वैसे रहना, ये सबसे पुराना धर्म है सनातन धर्म, बहुत पुराना धर्म है। आप चाहते हैं
की चीजों को फायदा हो। बिल्कुल बिल्कुल होना चाहिए मैम, बिल्कुल होना चाहिए। तो महाराष्ट्र में चुनाव है, झारखंड में चुनाव है, अभी नतीजे आने वाले हैं, कौन सी सरकार जीतेगी? मेरे हिसाब से तो बीजेपी आएगी, बीजेपी आएगी। उत्तर प्रदेश में भी चुनाव है, योगी बिल्कुल। दिल्ली में सबसे बड़ी बात चुनाव है, दिल्ली में चुनाव है, दिल्ली की तो मुझे जानकारी है, यूपी से है, यूपी में तो योगी बाबा जिंदाबाद। दिल्ली में पिछली बार केवल 3 सीटें नहीं आई थी, बाकी सारी उसकी आई थी आम आदमी। हाँ नहीं नहीं, आम आदमी पार्टी की सीटें आई थी दिल्ली में। अच्छा, दिल्ली की मुझे जानकारी नहीं है इतनी ज्यादा। दिल्ली में क्या लग रहा है, कौन जीतेगा? मोदी जीतेगा भाई, मेरे हिसाब से तो मोदी। हाँ जी, मोदी। हिंदू एक हो पाएंगे? हाँ हो जाएंगे। जब नाम के पीछे जाति लगाएंगे तो कैसे एक हो जाएंगे? नाम से कुछ नहीं होता, हिंदू एक होना चाहिए। कैसे हो जाएगा एक, जब तक बेटी रोटी का लेना देना नहीं होगा? जाति लगानी नहीं चाहिए, जो हो वही होना चाहिए। अगर हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो क्या जाति खत्म कर देंगे? नहीं, जाति खत्म कहाँ से करें, जाति तो जो है जाति तो रहेगी। अगर फिर हिंदू राष्ट्र बना के क्या करेंगे जब जाति रहेगी? नहीं, आपके सामने ही बोल रहे हैं जाति रहेगी। नहीं, जाति हिंदू की रहेगी, जो हिंदू की जाति है वो रहेगी। तो आप हिंदू हो? हिंदू हो ना, कौन सी कास्ट? हिंदू हो ना आप? देखो, सबसे बड़ी हमारे लोगों की गलती यही है ना कि जातिवाद, जातिवाद जब हम लोग हटा देंगे ना तो वैसे ही हिंदू राष्ट्र हो जाएगा। हम लोग क्या करते हैं, जैसे हम गुजर हैं, आप जाट हो या कुछ भी हो, वो दबदबा नहीं होना चाहिए ना। मैं तो बिल्कुल भी नहीं करते इंटरकास्ट मैरिज। नहीं बिल्कुल मैम, होगा करोगे क्या? बिल्कुल करना पड़ेगा। जब आप कैमरा उधर घुमाओ, देखो सब हिंदू एक है, कैमरा उधर घुमाओ, सारे हिंदू एक है। जाति तो सबकी अलग अलग होती होती है, हिंदू तो हिंदू रहेगा और मुस्लिम मुस्लिम रहेगा, इसमें क्या वार्तालाप करनी है? पुराना धर्म सनातन धर्म सबसे पुराना है, ये धर्म बहुत पुराना सनातन धर्म है। सबसे बड़ी बात है कि सनातन धर्म को जगाना, अब जाग रहे हैं लोग तो जातिवाद भी हट जाएगा। मैम, बाबा इन जो बाबा हैं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री और ये जो बाबा हैं, इनके साथ हैं आप ना, कि राहुल गांधी के साथ नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं, हम तो सबसे बड़ी है धीरेन्द्र बाबा के, तो धीरेन्द्र जो बागेश्वर वाले बाबा हैं, हम उनके बहुत बड़े, बहुत ज्यादा प्रिय हैं। सही बात तो ये, बहुत पसंद करते हैं। राहुल गांधी तो जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं, वो गलत कर रहे हैं। मैम बताओ, आप ये बताओ जाति गणना क्या? तो सबसे बड़ी बात, हम तो हिंदुओं के लिए बोल रहे हैं, भैया जो भी हिंदू है जातिवादी ना करें अपना, केवल जाति के लगानी नहीं है जात, बिल्कुल भी, सिर्फ पीछे लगाना सनातनी, बस बात खत्म।